ऑयल लेबल डिपस्टिक को खोल लीजिए दिखाए गए तरीके से। आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुल जाएगी वो। इसे खोल के बाहर निकाल लीजिए। अब ऑयल के जार लगा के ऑयल के बोल्ट को खोलिए एंटी क्लॉकवाइज दिखाए गए तरीके से। अब ऑयल को निकलने दीजिए। साइड कवर खोल लीजिए दिखाए गए तरीके से। बैटरी के नेगेटिव वायर को अलग कर दीजिए बैटरी से दिखाए गए तरीके से। अब आपको ब्रेक लूज करनी है और साइलेंसर को बाहर निकालना है और ये फुटरस को लूज करना है। सबसे पहले ब्रेक को देखिए, ब्रेक पेडल इतना दबना चाहिए ताकि क्लच कवर आराम से निकाल सकें आप, तो भी आपको ब्रेक लूज करनी है। आप गोटी का या हाथ का दोनों का यूज कर सकते हैं। ब्रेक पेडल को दबा के देखिए, बिल्कुल ठीक है, क्लच कवर निकल जाएगा इतने ब्रेक पेडल को दबाने के बाद। साइलेंसर के दोनों नट आगे वाले खोल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ही खुलेंगे। बोल्ट सारे एंटी क्लॉकवाइज खुलेंगे, जितनी भी बोल्ट हैं इस गाड़ी के अंदर वो सारे के सारे बोल्ट या नट घड़ी की उल्टी दिशा में ही खुलेंगे। पीछे का बोल्ट खोलिए 12 नंबर का दिखाए गए तरीके से। साइलेंसर को बाहर निकाल लीजिए। फुटरस के बोल्टों को लूज कीजिए। फुटरस को आपको इतना लूज करना है जिससे क्लच कवर खोलते समय फुटरस में टच ना हो। किक लीवर को बाहर निकाल लीजिए 10 नंबर के बोल्ट खोल के एंटी क्लॉकवाइज। क्लच केबल को लूज कर लीजिए। क्लच रिसीवर को केबल से अलग कर दीजिए क्लच की वायर के नटों को लूज करके। क्लच कवर के बोल्ट खोलिए 8 नंबर की टिटोमी से एंटी क्लॉकवाइज ही खोलेंगे। इनको क्रॉस वाइज खोलना है आपको। बोल्टों को बाहर निकाल लीजिए। नीचे ट्रे रख दीजिए ताकि ऑयल नीचे ना गिरे, जो भी बचा कुचा ऑयल है उसमें। क्लच कवर को बाहर निकालिए, रिसीवर को दबा के दिखाए गए तरीके से निकाल सकते हैं आप। हमने इसमें 2 से 3 तरीके दिखाए हैं कि आपको किस तरीके से निकालने हैं। ब्रेक पेडल को दबा के किसी और की हेल्प से ले सकते हैं, अदरवाइज अपने राइट वाले हाथ से ब्रेक को दबा के कवर को बाहर निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट है कितनी है यहाँ पे, ये ऑयल सील है इसकी। ये क्लच रिसीवर है, ये ठीक काम कर रहा है, इसकी स्प्रिंग चेक करनी है आपको। इसको क्लीन करना है। क्लच की पैकिंग चेक करिए, निकाल लीजिए बाहर, अगर खराब है तो चेंज कर दीजिए। ऑयल फिल्टर स्क्रीनर को निकाल लीजिए, हम इसे ऑयल फिल्टर जाली भी बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कवर के पेच खोलिए स्क्रू। ये लूज हो चुके हैं,
अब इनको बाहर निकाल लीजिए एक एक करके।